कौरव और पांडवों की एकमात्र बहन दुशाला महाभारत के दुर्भाग्यपूर्ण पात्रों में से एक है। धृतराष्ट्र और गांधारी की पुत्री और कौरव सहित पांडवों की एकमात्र बहन दुशाला के साथ महाभारत में न्याय नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने न केवल दुशाला के 100 भाइयों को मारा बल्कि उसके पति सिंधु नरेश जयद्रथ का भी वध किया था। अर्जुन ने न केवल दुशाला के पति को मारा बल्कि दुशाला का एक बेटा था सूरत, जो कि अर्जुन के हाथों ही मारा गया। पांडव भले ही महाभारत की कहानी के नायक थे लेकिन वह दुशाला यूं कहें अपनी ही बहन की जिंदगी में एक खलनायक का रोल निभा रहे थे। दुशाला से उसका सब कुछ छीन लेने के बाद भी अर्जुन को चैन नहीं मिला और वह हमला करने सिंधु देश जा पहुंचे। तब वहां अर्जुन का सामना दुशाला से हुआ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना स्वयं अर्जुन ने भी नहीं की थी। आखिर कैसे किया था दुशाला ने अर्जुन का सामना और क्या निकला अर्जुन और दुशाला के युद्ध का परिणाम, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत के पात्र अर्जुन और उनकी बहन दुशाला के बारे में। 18 दिन चला था महाभारत का युद्ध और युद्ध में घटी सारी घटनाएं सदा सदा के लिए अमर हैं। सभी रिश्ते नातों को भुला कर लड़ा गया महाभारत का युद्ध आने वाले पीढ़ी के लिए एक सबक बन गया है। जहां एक तरफ कौरवों ने सत्ता के लालच में अपनों का ही खून बहाया था, वहीं दूसरी ओर पांडवों ने अपने अधिकार एवं धर्म की रक्षा के लिए अपनों का खून बहाया था। शायद यही वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था और पांडव विजयी हुए। लेकिन इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए और इसी के साथ शुरू हुई पांडवों के संघर्ष की कहानी। एक दिन सभी पांडव ऋषि मुनियों और श्रेष्ठ जनों के आदेश पर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े के साथ अर्जुन भारत के सभी राज्यों में घूम रहे थे। जहाँ पर भारत के कुछ राजाओं ने अर्जुन की आधीनता स्वीकार कर ली वहीं पर कुछ राजाओं ने अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोक लिया और अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। तब अर्जुन ने उन्हें हराकर अपने अधीन किया। अपनी इस यात्रा में अर्जुन सभी राजाओं को अपने अधीन करते जा रहे थे तभी उनके अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा सिंधु राज्य पहुंच गया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिंधु राज्य में प्रवेश करते ही सिंधु राज के सभी सैनिक अर्जुन के सामने आ खड़े हुए और अर्जुन को रोककर उनसे आगे न बढ़ने का निवेदन किया। तभी अर्जुन ने सैनिकों के इस बर्ताव से क्रोधित हो गए और उन्हें अपने सामने से हटने को कहा। लेकिन सैनिकों ने अर्जुन की एक बात नहीं सुनी और अपना सैनिक धर्म निभाते हुए अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। सिंधु राज के सैनिकों ने अर्जुन पर हमला किया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन उनके इस व्यवहार से जरा भी व्याकुल नहीं हुए और एक वीर योद्धा की तरह उन सभी सैनिकों का सामना करने लगे। फिर अर्जुन और सिंधु राज के सैनिकों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। तो वहीं दूसरी ओर एक सैनिक सूचना लेकर राजभवन जा पहुंचा। उस समय सिंधु देश के राजा सूरत थे। सूरत रानी दुशाला और जयद्रथ के पुत्र थे। वह बहुत छोटे थे जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके पिता जयद्रथ का वध किया था। सूरत अर्जुन को एक हत्यारे के रूप में देखते थे। सैनिक ने सूरत को अर्जुन के हमले की सारी बात बताई जिसके कारण एक ऐसी अनहोनी हुई जिसे बहुत कम जानने या सुनने को मिलती है। सूरत के मन में अर्जुन के प्रति बहुत गलत छवि बन गई थी, इसीलिए सूरत ने सैनिक के मुख से जब अर्जुन के हमले के बारे में सुना तो वह घबरा गया। अर्जुन के आक्रमण की सूचना ने उसे अंदर से भयभीत कर दिया था। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और वह खड़े खड़े ही नीचे गिर गया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई।
अपने मृत बेटे को देखकर दुशाला भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। दुशाला ने अर्जुन के कारण अपने पति के साथ साथ 100 भाइयों को भी खो दिया था और अब उसका पुत्र भी अर्जुन की वजह से मारा गया। लेकिन सूरत के पुत्र यानी कि अपने पोते को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए दुशाला ने अपने आंसू पोंछे और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। सिंधु सैनिक अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और अर्जुन के हाथों मारे जा रहे थे, लेकिन महारानी दुशाला को अचानक देखा, सभी सैनिक रुक गए। वही अपनी बहन दुशाला को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन भी अपने रथ से नीचे उतर आए। फिर दुशाला ने बताया कि किस प्रकार उसके पति और उसके भाइयों का वध हुआ और अब उसका पुत्र भी अर्जुन की वजह से मारा गया। दुशाला के इन वचनों को सुनकर अर्जुन का हृदय कांप उठा और उनकी आंखें भर आई। फिर अर्जुन ने अपनी बहन दुशाला को गले लगाते हुए दुशाला से माफी भी मांगी। फिर वह वापस हस्तिनापुर लौट आए। उसके बाद फिर महारानी दुशाला ने एक बार सिंहासन की डोर अपने हाथों में संभाली और आगे चलकर उनका पोता सिंधु देश का राजा बना। दुशाला के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ गए होंगे। भला खुद की बहन को कोई विधवा कैसे कर सकता है। अब आपको बताते हैं दुर्योधन की बहन से जुड़ी रोचक बातें। जब वेद व्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान दिया था, उससे ही दुर्योधन की बहन दुशाला का भी जन्म हुआ था। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। इस तरह से जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने कौरवों का साथ दिया था। उसके पिता ने काफी तप किया था, जिसकी वजह से जयद्रथ का जन्म हुआ था।